साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप UCG, NET या SET की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। इसलिए हो सकता है आगे आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो, इसलिए आपको अपनी तैयारी अभी से ही मजबूत करनी है, क्योंकि अभी आपके पास 1-1.5 महीने हैं, 1-1.5 महीने तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसलिए हम आपको जितने भी फर्स्ट यूनिट की 10 यूनिट है प्रत्येक के MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे उन वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 50 में से कम 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पेपर में गलत नहीं होगा। इस बार मुझे भी पेपर दिया था जो रद्द हो गया था, और आगे जब री एग्जामिनेशन होगा तो मैं पेपर दूंगा। आप लोगों से वादा करता हूं कम से कम 45 प्रश्न फर्स्ट पेपर के सही करना है हमें और आपको। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोगों की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर आपको नोट्स किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी के या ऑब्जेक्टिव MCQ के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर देना। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, अब की बार GRF पार, जो अब री एग्ज़ाम होगा उसमें GRF पार, यानी कि GRF क्वालिफाई करना केवल मकसद है, नेट को क्वालिफाई करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण यानी कि टीचिंग का आधारभूत प्रतिमान है। ए ऑप्शन दिया गया है लर्निंग का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। इसका जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन दोनों ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद दूसरा, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। मानकर चलिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है वह शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी आधारभूत आवश्यकता होती है। सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता होती है उसे उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण में वास्तविक रुचि तो होनी ही चाहिए, बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास भी होना चाहिए, सी विषय का ज्ञान, डी अच्छी अभिव्यक्ति। इसका जो सबसे बेस्ट और सही आंसर है विषय का ज्ञान। अगर आपको विषय का ज्ञान नहीं है तो कभी भी आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द छाटना है, नहीं है सत्य नहीं है, इस पर आप विशेष ध्यान देना। पेपर में गलती होती है प्रत्येक स्टूडेंट से नहीं शब्द में। पहला ए ऑप्शन, टीचिंग सिर्फ कला है। दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, टीचिंग कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। बी शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो टीचर होते हैं उन्हें केवल प्रशिक्षित ही किया जा सकता है,
यह भी बिल्कुल गलत है। सी, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन कहता है जो शिक्षक होते हैं वह पैदाइश होती है उनकी, यानी कि जन्म से होते हैं। नहीं दोस्तों, यह गलत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर के बारे में उतना अच्छे तरीके से ही सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि सामने वाले को समझा सकते हो क्लास में। इसलिए डी उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप इन्हें समझिए, अपने जीवन में आप इस प्रकार उतारिए जैसे आप टीचर हो। अगर आपने यह सीख लिया अपने ऊपर अप्लाई करना इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ए ऑप्शन, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक अगर कोई बात कहता है तो वह छात्र की समझ में आना चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं फर्स्ट यूनिट के टीचिंग एप्टीट्यूड के, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लाएंगे। इसके बाद पांचवा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, यानी कि सूची एक दी गई है सूची दो। पहला स्मृति स्तर, दूसरा गहन शक्ति, तीसरा विचारशील स्तर। स्मृति स्तर दोस्तों, तीन स्तर होते हैं टीचिंग के। एक तो स्मृति स्तर होता है, एक ग्रहण शक्ति स्तर यानी कि जिसे हम अवबोधन स्तर भी कहते हैं, तीसरा विचारशील या चिंतन स्तर भी कहते हैं। स्मृति स्तर का पहला हार्वर्ड, यानी कि अब आपको देखना है पहले का पहला किस में है। पहले का पहला ए में है और बी में है, इसलिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद दूसरा देखिए, ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन, यानी कि दूसरे का दूसरा पहले में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप इन्हें काटना सीखिए। अगर आपसे पहला बनता है, अगर पहले का पहला पहले में ही दिया गया है और किसी में नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? सबसे पहले स्मृति स्तर आता है, फिर बोध स्तर आता है, फिर चिंतनशील स्तर आता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में स्वतंत्र है? टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में दोस्तों, शिक्षक ए ऑप्शन, बी शिक्षार्थी, सी संस्थान, डी माता पिता। इसका ए ऑप्शन सही होगा। टीचर स्वतंत्र होते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया में। इसके बाद आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक टीचर द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? प्रत्येक टीचर द्वारा प्रयोग करनी चाहिए विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि। पहले उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसके बारे में संश्लेषण किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवां, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। पहला संपूर्ण से अंश। अब हम आपको यह बता रहे हैं संपूर्ण से अंश क्या है। मानकर चलिए आपने कोई किताब मार्केट से खरीदी, वह पहले संपूर्ण थी जब आपने खरीदी,
उसके बाद आप खरीद के लाते हो तो आप उसका एक एक पेज पढ़ते हो, यानी कि आप अंश तक उसके जाते हो, एक एक पेज तक जाते हो, वह अंश है। इस प्रकार आप समझिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। जिससे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, हमारे जो सर है उन्होंने हमें इसी प्रकार से ही समझाया है, आप भी इसी प्रकार समझिए। कोई भी आपको YouTube पर इस प्रकार से नहीं समझाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ना ही जो हमने नोट्स बनाए हैं अपने हैंड राइटिंग से, वह आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बनाए हैं। इसलिए पहला मनोवैज्ञानिक ओर जाना और दूसरा स्व अध्ययन यानी कि डॉल्टन, तीसरा भावना का प्रशिक्षण मोंटेसरी और फोय बेल, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। दसवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीचिंग की प्रकृति को दर्शाता है? दोस्तों, हमने आपको बताया था टीचिंग एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ग्यारहवां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम टीचिंग के तीन स्तरों को दर्शाता है? टीचिंग के तीन स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, यानी कि यह तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में पेडागोगी के बारे में बताया गया है। पेडागोगी, एंटागोगी, यूटागोगी, यह शिक्षा के मॉडल है। पेडागोगी में ऐसे छात्र छात्राएं आते हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम होती है, यह पेडागोगी कहलाते हैं, और एंडागोगी जिनकी उम्र 18 से ऊपर होती है और जिनमें सोचने समझने की क्षमता स्वयं विकसित हो जाती है। इसके बाद यूटागोगी के अंतर्गत रिसर्च PhD करने वाले छात्र छात्राएं आते हैं। इसके बाद बारहवां, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? आधुनिक समय में शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है आधुनिक समय की विधि, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद तेरहवां, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसे दर्शाने के लिए एंडागोगी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले दोस्तों, हमने आपको शिक्षा के तीन मॉडल बताए थे, पेडागोगी, एंडागोगी और यूटागोगी। एंडागोगी में ऐसे शिक्षक होते हैं जो आत्मनिर्देशित हो जाते हैं स्वयं, यानी कि 18 प्लस एज वाले आते हैं, जिनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ए, विशिष्ट लक्षण होने चाहिए, बी, ध्यान देने योग्य, सी, मापने योग्य, डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी।
इसके बाद पंद्रमा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? इसका जो बी ऑप्शन है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित, यानी कि शिक्षक स्वतंत्र चर माना जाता है और जो छात्र है आश्रित, शिक्षक पर आश्रित होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16, निम्नलिखित टीचिंग स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? इसका जो ये ऑप्शन है, स्मृति स्तर में आपके मन में ही सवाल स्मृति मेमोरी में सेव होते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। बोध स्तर भी नहीं हो सकता, चिंतनशील स्तर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। चिंतनशील स्तर में आपके सोचने समझने और उस प्रश्न को चिंतन करने की अवधारणा आ जाती है और खुला और स्वतंत्र हो जाते हैं आप, जब टीचर से कोई सवाल पूछते हैं स्वतंत्र रूप से पूछते हैं, क्योंकि आपके मन में चिंतनशील है उस सवाल को पूछने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 17, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अनुभवों का आयोजन करना। इसके बाद 18, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संज्ञानात्मक यानी कि मूल्यांकन, बेंजामिन एस ब्लूम, इन्हें हम संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि बेंजामिन ब्लूम को आधुनिक मूल्यांकन का जनक भी कहते हैं, इसे भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है, यानी कि अनुप्रयोग, बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम आपको यह कम समय में ही आपको समझाते जा रहे हैं। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो आने वाला वीडियो जो हम आपको बनाएंगे उसके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव हम आपको क्लियर करते जाएंगे, जिससे अगर आप 100 ऑब्जेक्ट तैयार करते हो तो आपके साथ में 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होते हैं परीक्षा के लिए। इतनी कड़ी मेहनत आपको करना है, इतना कठिन अभ्यास आपको करना है। पेपर वाला पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, जब आप एक एक यूनिट के 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाओगे तो बताइए आप लोग, एग्जाम में इन्हीं में से ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने हमारे इन वीडियो को अच्छे से देखा है और तैयार किया है। इसके बाद अगला पूछा गया 20, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करने से इसका तात्पर्य है, इसके पहले भी हमने आपको यह समझाया था, इसलिए आप इसे तो गलत कर ही नहीं सकते। मूल्यांकन करना किसी चीज़ के बारे में, डी ऑप्शन सही होगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर टीचिंग को दर्शाता है? सत्तावादी, दोस्तों इसका जो शिक्षक केंद्रित है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला, क्रिया करके सीखना, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण प्रकृति से संबंधित होती है, यानी कि दूसरे का पहला। अब आप देखिए इसके उत्तर में, दूसरे का पहला
कौन सा है? केवल बी ऑप्शन में सही है, दूसरे का पहला। इसलिए आप इस प्रकार एलिमिनेशन ऑप्शन का यूज करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कीजिए। इसी प्रकार मैंने भी पेपर में किया था और आपको भी करना है। अगर आपसे चार में से एक बनता है, पहले उसको देखिए किस में है। अगर दो में है तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अगर एक में है केवल, जैसे इसमें दिया गया है दूसरे का पहला, तो बी ऑप्शन ही सही है, उसी को टिक कर दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद 23, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कि प्रतिबिंबित होते हैं बौद्धिक कौशल? इसका जो ये ऑप्शन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। आपके संज्ञान में आ गई है कोई, तो उसे हम बौद्धिक कौशल कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है? दृष्टिकोण मूल, यानी कि आपके भावात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा प्रतिबिंबित किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है। 25, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? शरीर के कौशल से संबंधित है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसका जो सी ऑप्शन है, इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों। आप इस प्रकार पकड़ना सीख गए, शारीरिक कौशल एक मन में होता है जिससे मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन, किसी विशेष विषय का वर्णन करके। 27, निम्नलिखित में से किसको टीचिंग के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता दर्शाना, बी प्रयोग करना, सी दो प्रयोगों के परिणामों का लेख करना, डी एक कहानी का वर्णन करना। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है, प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। इसके बाद 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसे आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको असत्य कथन छांटना था। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है दोस्तों, यह दोनों एक ही नहीं है। बी शिक्षा और टीचिंग में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, सही है। सी शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। उपरोक्त सभी नहीं है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, जो असत्य है इसमें। 29, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? इसका जो ए ऑप्शन है, अवधारणाओं का ज्ञान, बी शिक्षण कौशल, सी निर्णय लेने का कौशल, डी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 30, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? ए कठोर अनुशासक, बी जो अपने विषय को अच्छी तरह जानता हो, सी जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि ना हो, अनुपयुक्त है, सी ऑप्शन सही है। जिसकी टीचिंग में कोई अभिरुचि ही नहीं है तो वह अनुपयुक्त माना जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। 31, निम्न में से
कौन से अध्यापन के सिद्धांत है? अध्यापन के सिद्धांत होते हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन। यह चारों सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी, पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। इसके बाद 32, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है? विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। बिल्कुल सही है। 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण सिद्धांत, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 34, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? ए, अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बी, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, सी, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। 35, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? एकल कारक होता है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, सी ऑप्शन सही है। 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है, यानी कि प्रभावी शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, कक्षा ने अनुशासन बनाए रखना, बी, शिक्षकों की निकटता, सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। बिल्कुल प्रभावी होता है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 37, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि पहले का तीसरा। इसके बाद विवेकानंद ने कहा था योग शिक्षा का एक माध्यम है। 3-4, महात्मा गांधी ने समाजस्य व्यक्तित्व का विकास, यानी कि पहला बौद्ध धर्म, दूसरा कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि दूसरा। 3-4-1-2, पहले का 3-4-1-2, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 38, यह किसने कहा था शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकता है? एक कथन है जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, इसलिए ए ऑप्शन सही है। उन्होंने कहा था शिक्षा मानव का निर्माण करती है और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे बढ़ाती है शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। इसके बाद 39, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्यों का निरूपण, बी, टीचिंग अनुदेशन की योजना बनाना, सी, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया में आने चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। 40, निम्नलिखित में से कौन से कथन
प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। प्रभावी शिक्षक में सम्मिलित होते हैं, ए ऑप्शन, शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी, यह बिल्कुल गलत है। बी, शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, नहीं, शिक्षक को हमेशा सक्रिय होना चाहिए और छात्र को भी हमेशा सक्रिय होना चाहिए क्लास में, जब दोनों के मध्य अच्छा संबंध बन पाता है, शिक्षक उस छात्र को अच्छे से शिक्षा दे पाता है। सी ऑप्शन, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। आप इन्हें पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा सही है, लेकिन आप एक गलती ज़रूर करोगे, जो उपरोक्त सभी है इसी में टिक कर दोगे। अधिकांश बच्चों को हमने देखा है उपरोक्त सभी देखते हैं और टिक कर देते हैं बिना पढ़े ही क्वेश्चन को, क्योंकि इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। अगर आपने पढ़ा है, आपको समझ है, नॉलेज है, तो आपसे कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा, यह मेरा अनुभव है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है, ए ऑप्शन, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, बी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सी, छात्रों के चरित्र का निर्माण, डी, एक उपरोक्त नौकरी के लिए चयन होना। अपेक्षित उद्देश्य ए ऑप्शन होगा इसका, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। इसके बाद 42, निम्नलिखित में कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है, ए, शिक्षण कौशल में निपुण, बी, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण, सी, शिक्षण में उचित साधनों के प्रयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण, डी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर दोस्तों नहीं शब्द है, इसको ध्यान रखना है, ए, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, मुझे तो यही लगता है, ए ऑप्शन, अच्छा संप्रेषक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, हो सकता है, इसलिए ए बिल्कुल सही है। इसके बाद 44, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, ए, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, बी, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, सी, और छात्रों के लिए अधिगम हो, डी, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, यह तीनों नहीं है, केवल ए ऑप्शन है। अगर उसे अपने विषय के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है तो वह एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। 45, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। मान के चलो दोस्तों, आप शिक्षक हो, आप अपनी आय बनाना चाहते हो और आपको उस विषय में नॉलेज भी है, तो आप क्या करोगे, आप किताबें लिखना चालू कर दोगे अपनी ही भाषा में, जिससे लोगों को समझ में आ सके। इसका जो डी ऑप्शन है, पुस्तकें लिखना, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 46, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ए, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलन में भाग लेना, बी, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, डी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन होगा। 47, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है,
सी ऑप्शन, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, बिल्कुल सही है। 48, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। यानी कि कोई शिक्षक है स्कूल में या कॉलेज में जो पढ़ाता है उनके छात्रों को समझ में आना चाहिए, सहायता करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 49, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है छात्रों के लिए लर्निंग प्रक्रिया को सुकर बनाना, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। 50, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह ए ऑप्शन विषयों का विशेषज्ञ हो, बी विषय को पढ़ने में काफ़ी अनुभवी हो, सी शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखें, डी विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करें। इसका जो सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करें, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इसके बाद 51, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। इसका जो ए ऑप्शन है, कक्षा में श्रुति लेखन करवाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। बी वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, ये भी नहीं होगा। सी छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, कॉलेज शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 52, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है, बी विद्यार्थी की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 53, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं यदि पाठ सामग्री दृष्टांत दर्शक हो, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, सी ऑप्शन सही होगा। 55, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, ए ऑप्शन जानकारी देना, बी जिज्ञासु मन को विकसित करना, सी छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, डी छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। इसका जो बी ऑप्शन है, जिज्ञासु मन को विकसित करना, बिल्कुल सही होगा। 56, उन छात्र शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो छात्रों की समस्याएं हैं अगर कोई शिक्षक है वह हल कर देता है तो शिक्षक ऐसे टीचर को ऐसे शिक्षक को ज़्यादा पसंद करने लगता है। यानी कि सी ऑप्शन सही है। 57, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, या कि शिक्षण टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको विकसित करना, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 58, हायर एजुकेशन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, पहला छात्रों को जानकारी प्रदान करना, बी यानी कि दूसरा केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, तीसरा छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, चौथा
छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इसका पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं होगा। इसके बाद 59, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि छात्रों की स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता का या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 60, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्राय वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। मान के चलो कोई नया शिक्षक है, कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है, उसका प्रथम कार्य स्थापित करना होता है छात्रों के मध्य तालमेल स्थापित करना। यह सबसे कठिन कार्य होता है। अगर जब कोई नया शिक्षक होता है तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाता है, छात्रों के मध्य कैसे तालमेल स्थापित करता है, वह अगर उसमें आ गया तो वह एक सफल शिक्षक और एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, मैं हूँ, आप लोग हमारे ये वीडियो देखते हो, अगर हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपका लेक्चर अगर हम लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने इसके पहले मुझे समझा है, मुझे सुना है, आपको पता है हम किस प्रकार से आपको समझाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारा तुम्हारा सामंजस्य, यानी कि बिल्कुल निकटता का सामंजस्य है, इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं होगी आपके मध्य तालमेल स्थापित करने में, और आपको भी नहीं होगी क्योंकि आपको हमारा स्वभाव पता है कैसा है। इसलिए अगर कोई अन्य शिक्षक है उसको तालमेल स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद 61, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 62, निम्नलिखित में से टीचिंग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। सबसे उपयुक्त विधि है सी, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। 63, निम्नलिखित में से लर्निंग यानी कि अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू है। ए ऑप्शन, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 64, निम्नलिखित में से हायर एजुकेशन में टीचर की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर आप नहीं शब्द पकड़ गए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। छात्रों की मुख्य भूमिका होती है छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में कोई शिक्षक उनकी सहायता नहीं करता है, इसलिए इसका डी होगा। 64 के बाद 65, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले आप कक्षा में प्रवेश करते हो तो उसके पहले अपनी योजना बनाते हो, तैयारी करते हो को आपको कौन सा टॉपिक
क्लास में पढ़ाना है बच्चों को, इसलिए दूसरा है जो पहले नंबर पर आएगा। ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि बी में ही पहले नंबर पर है। इस प्रकार आप काटना सीखिए, दूसरा पहले पर, फिर तीसरा आएगा सामग्री की प्रस्तुति, फिर पहला किए हुए कार्य का विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करने के बाद संशोधन और सुधार करोगे। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता? प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। बिल्कुल सही है बी। 67 यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको त्रुटि मानी जाती है? इसको त्रुटि मानी जाती है, इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद 68 एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक कौन सा कदम उठाना चाहिए? ए अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। मान के चलिए दोस्तों प्रश्न कहता है कोई शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, यानी कि कोई टीचर है और छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है तो उसे अपनी मूल्यांकन में सुधार करना चाहिए और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ना कि पद से इस्तीफा देना चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत ही है। इसके बाद 69 एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों यहाँ पर जब हम पीडीएफ बना रहे थे, रात में पीडीएफ बनाई, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। हम आपको यह पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे अगर आपको चाहिए। इसके बाद 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? इसका जो सी ऑप्शन है छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 71 निम्नलिखित में से कौन से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? अच्छे शिक्षक के संदर्भ में ए ऑप्शन कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, बी अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, सी अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। इसके बाद 72 निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? बी मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 73 निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो शिक्षक का ज्ञान, यानी कि शिक्षक विफल होता है अपने ज्ञान के कारण, उसे ज्ञान नहीं है उस टॉपिक के बारे में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 74 निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रकृति शिक्षा पर आधारित मिरमब का स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? यहाँ दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है श्री अरबिंदो। इस कथन को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद 75 निम्नलिखित में से नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अगर कोई शिक्षक सफल होता है तो महत्वपूर्ण कारक होता है शिक्षक अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता उसके अंदर होती है, सी ऑप्शन।
76 निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सबसे अच्छा विकल्प होता है अनुसंधान करना, यानी कि नए तरीके से किस प्रकार किसी टॉपिक को समझाया जा सकता है। अगर वह खाली बैठा है तो उसके बारे में अनुसंधान करेगा। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 77 टाइटल मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? उद्देश्य, शैक्षणिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। बी ऑप्शन सही है। 78 अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका जो डी ऑप्शन है, जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर लेते हैं, उन्हें बार बार किसी टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इतना अनुभव हो चुका है उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते, और बिना सोचे समझे उस टॉपिक को रिवाइज किए ही छात्रों को समझा सकते हैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 80 निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। बी ऑप्शन सही होगा। 81 निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? छात्रों से अपेक्षा रखनी चाहिए उनका ध्यान आकर्षित करने की। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 82 प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? भविष्य में शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए कि वह छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए उन्हें भविष्य में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? हमने आपको शिक्षण के तीन स्तर बताए थे। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बौद्ध स्तर और तीसरा चिंतनशील स्तर। इसका जो ए है, विभेदन स्तर नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन ही होगा। इसके बाद 84 शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए विलोम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसमें आप कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, इसमें हमारा कुछ डाउट है, हो सकता है कुछ और हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए इसका सही कौन सा होगा। इसके बाद 85 निम्नलिखित में किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया? एकीकृत ए इंग्लिश में ए नंबर पर आता है, और अरबिंदो ए नंबर पर आता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप ट्रिक भी लगाइए तो आपका कभी ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 यूनिट है और आपको 4000 ऑब्जेक्ट तैयार करना है। एक चैप्टर से कम 400 ऑब्जेक्ट प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्ज़ाम बनाने वाला आपका पेपर में जो ऑब्जेक्ट प्रश्न पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है उसी में से ही पूछा जाएगा। इसके बाद 86 शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके
शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। इसके बाद 87, निम्नलिखित में से आज की शिक्षक को कक्षा शिक्षक शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है? प्रौद्योगिकी ज्ञान, दूसरा शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तीसरा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, चौथा शिक्षण सामग्री में दक्षता। इसका जो पहला है प्रौद्योगिकी ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में किया जाता है, इसलिए दूसरा तीसरा और चौथा सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 88, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों को बहुमुखी विकास में सहायता करना, सी ऑप्शन सही है। 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 90, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बना होता है? प्राथमिक दायित्व बना होता है स्वयं शिक्षक का, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 91, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम पाठाचार का एक संलग्न है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। 92, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ए ऑप्शन सही होगा। अगर कोई शिक्षक है उसे विषय के बारे में ज्ञान नहीं है तो वह अच्छा शिक्षक कैसे हो सकता है, इसलिए उसे विषय के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 93, एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 94, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी, ए ऑप्शन सही है। 95, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपरोक्त क्रम में नहीं है? उपरोक्त क्रम में नहीं है लक्ष्य, अभिप्रेरणा, फिर बाधा आती है, फिर अनुक्रिया। लक्ष्य नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया 96, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? सबसे बड़ा बाधक होता है आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 97, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा उन्हें प्रदान करना। यह दो प्रकार की होती हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित होते हैं और एक शिक्षार्थी केंद्रित। इसमें आपको शिक्षार्थी केंद्रित बताना था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 98, निम्नलिखित दो समुच्चय का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो। दिए गए कूट में से समुचित उत्तर का
चयन कीजिए। भाषा विकास, यानी कि ए ऑप्शन है, भाषा विकास का संबंध है वार्तालाप से, भाषा का विकास होता है वार्तालाप से। ए का तीसरा, अब आप देखिए ए का तीसरा किस में है, ए का तीसरा बी में है और किसी में नहीं है, इसलिए सभी को काट दीजिए। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न से काटना सीखिए। एलिमिनेशन ऑप्शन अपनाना अगर सीख गए तो आपका कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 99 मूल्य पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती, समस्या समाधान पर, बी ऑप्शन सही है। 100 क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है, शिक्षा दर्शन की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षकीय प्रक्रियाएं, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है। मूल पाठ्यचर्या में ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखते ही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष है, इसका सी ऑप्शन सही है, NCTE। इस प्रकार दोस्तों यह टीचिंग एप्टीट्यूड से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। इसके हम 3 वीडियो और लाएंगे, क्योंकि 4 वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम समाप्त करेंगे। आपको इतनी कड़ी मेहनत करवाएंगे और अभ्यास करवाएंगे एग्ज़ाम के पहले, कि अब जो 1-1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपका GRF क्लियर हो। नेट क्लियर नहीं, GRF क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के, यूनिट फर्स्ट या यूनिट सेकंड, जो यूनिट मेरी सेकंड है, मैं लॉ सब्जेक्ट से हूँ इसलिए लॉ सब्जेक्ट के नोट्स ही आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है, सभी के सब्जेक्ट समान होते हैं, फर्स्ट यूनिट में पेपर समान होता है, उसके प्रत्येक यूनिट के नोट्स जो मैंने स्वयं बनाए हैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। धन्यवाद साथियों।